let me see the frame? No, no. जो है अभी यही है क्या? सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, आज ही लॉन्च हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। सबसे पहले तो ये जाने कैसे आपको एप्रिसिएशन मिला, क्या प्रकार के कमेंट्स मिले आपके फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है गाना, तो बहुत अच्छा लगता है यार। हम काम जनता के लिए करते हैं और मुझे कमरिया में उतना ही प्यार दिया था, पार्टी अभी बाकी में, सुनोना संगी मरमर में, लल्ला लल्ला लोरी, बूम बूम बूम, तो प्रेशर भी रहता है और कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी रहता है कि ऑडियंस को ये गाना पसंद आए। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये साल, बिकॉज ये हमारे लेवल का गाना है और हम नॉन फिल्म स्पेस में एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये और ऑडियंस तक पहुँचे और लोगों को और ये और लोग सुने और ये इस साल का एक बेहतरीन गाने की तरह उभर के बाहर आए। ओके, जूलिया की बात करें तो ये सिर्फ गाना नहीं है, इसमें एक सोलफुल एक म्यूजिक के साथ एक डांस और फर्स्ट टाइम रिटो भी नजर आ रही है, इंटरनेशनल जो स्टार है, तो उसके पहले जानना चाहेंगे कि उसे क्यों लिया गया, कोई पर्टिकुलर रीजन और कैसा था एक्सपीरियंस? सी मुझे ऐसा लगता है कि मेलेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिक में, क्योंकि अच्छी मेलेडी होती है तो उस पर आप अच्छा प्रोडक्शन करके उसको एक अच्छा ट्रैक बना सकते हैं। चूड़िया में वो बात है, जब मैंने भी सुना था मुझे लगा यार इसमें वो बात है, और यही सेम फीलिंग मुझे आई थी जब मैंने कमरिया सुना था पहली बार, कि यार ये ना इसमें नाचने का मन करता है, थिरकने का मन करता है। सो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप। देन वी गॉट देव ऑन बोर्ड, असीस ऑन बोर्ड टू सिंग इट, और फिर जब विजुअलाइजेशन की बात हो रही थी तो मुदस्सर जो है हमारे कोरियोग्राफर, हमारे कर्ता धरता इस वीडियो के, और आदिल जो हमारे DOP है, उन्होंने, हमें लगा कि कौन हो सकता है जो मेरे साथ इसमें फीचर कर सके, एंड यूनैनिमसली सबका जो वोट था वो डिटो पे था, बिकॉज वी थॉट दैट वी शुड यू नो गो इंटरनेशनल, एंड वो जो पूरा है कि देसी मीट्स विदेशी का जो फील है, क्योंकि हमारा जो गरबा फ्लेवर होता है, जो दिवाली का, जो होली का फ्लेवर होता है, वो बहुत ही इंक्लूसिव होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ खेलते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि कल्चरल एक्सचेंज विल बी अ नाइस पेग, सो दैट्स व्हाई इट। ओके, जब चूड़िया की बात करें तो आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत ही पॉजिटिव है, पर मैक्सिमम चले एक आगे कमरिया से बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत ऑफ कोर्स, सो ऑफ कोर्स क्या है कि मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूंगा कि मैं इंस्पायर्ड नहीं हूं, यू नो, एंड यू नो वो जो एक गुजरात का जो फ्लेवर है, यू नो, जो कमरिया में था, जो चुगारा में था, और ये दोनों गानों में जो फ्लेवर था, चूड़िया में भी आपको कहीं ना कहीं वो फ्लेवर दिखता है गुजरात का, यू नो, एंड बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर है। एज लॉन्ग एज इट्स गुड, एज लॉन्ग एज you feel like dancing, as long as आपके चेहरे पे एक स्माइल आता है, it's always good. Okay, जे जैस म्यूजिक की बात करें, जो ये आपकी थर्ड सॉन्ग होगी आपकी लेबल के अंडर, सो कैसा रिस्पॉन्स रहा, जो आपके जो एक्सपेक्टेशन थे वो खरे उतरे हैं जितना आपने सोचा था? बहुत खरे उतरे हैं, क्योंकि हम एक नई लेबल हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा गाना डालने के लिए, अच्छी म्यूजिक डालने के लिए, और ऑडियंस से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लोगों से बहुत सपोर्ट, आर्टिस्ट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और यू नो जो जस्ट म्यूजिक है, जो लोग बोलते हैं जे जस्ट म्यूजिक, एक्चुअली जस्ट म्यूजिक है, जो पहला जे है वो जस्टिस फॉर म्यूजिक है, तो जस्ट म्यूजिक, इसीलिए दो जेज हैं, क्योंकि सब लोग को समझ में नहीं आता है कि दो जे क्यों हैं, क्योंकि एक जस्ट म्यूजिक है और एक जस्ट, सो इन नो इनजस्ट, इट जस्ट म्यूजिक। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमें बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, एंड या वी आर यू नो होपिंग दैट वी कीप गेटिंग द लव एंड वी कीप डूइंग गुड वर्क। ओके, अगर प्यार की बात करें तो आपको तो हमेशा ही लोगों का प्यार मिला है, या एक्टिंग हो या प्रोड्यूसिंग हो, इसके अलावा कोई आप कोई एक्सप्लोर करना चाहे, जैसे डायरेक्शन हो या ऐसे? देखिए क्या है, एक्टिंग तो मैं कर ही रहा था, विद गॉड्स ग्रेस हम 7-8 फिल्में बना रहे हैं, और अभी म्यूजिक लेबल है, इससे ज़्यादा मैं अभी कर नहीं सकता,
यू नो गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड एंड आई वॉन्ट टू रियली थैंक यू नो सम पावर अप देयर एंड द ऑडियंस फॉर लाइकिंग वट एवर आई हैव पुट आउट ऑल्सो नॉट लाइकिंग बिकॉज दे हैव बीन वेरी ऑनेस्ट आई थिंक विथ मी माई जर्नी हैज़ बीन विथ इक्वल सक्सेस एंड फेलियर और मैं अपने फेलियर से सीखा ही हूँ एंड कुछ अच्छा ही सीखने मिला है कि और बेहतर हो सकता है और अच्छा कर सकते हैं सो नो कंप्लेंट्स एंड या वेरी वेरी ग्रेटफुल ओके सर फिल्मों की बात करें तो रिसेंटली जो आपकी प्रोडक्ट थी आपने कहा जैसे कहा कि 7-8 मूवीज फ्लोर पे है और एक मूवी उनमें से है जो कूली नंबर वन है जो बहुत ही एक्सपेक्टेशन है लोगों की और रिसेंटली आग भी लग गई थी वहां पर और पूरी साइट को प्लास्टिक फ्री भी कर दिया गया तो उसके बारे में पहले जानना चाहिए कि ज्यादा नुकसान हुई है या नहीं नुकसान तो हुआ ऑफकोर्स बट लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं थी विच इज अ गुड थिंग एंड यू नो डेविड अंकल बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप was completely in control and we would really like to thank the Mumbai police and the fire brigade team bahut hi prompt the aur sahi time pe aake unhone pure set ko pura jalne se bacha liya okay set ko bhi plastic free kar diya Modi ji ne bhi bahut appreciate kiya gaya so kaisa feel kar raha hai bahut acha feel kar rahe hain ye meri sister ka idea tha aur you know to give full credit to David Ankil unhe laga ki ye superb idea aur isko zarur implement karna chahiye and to Varun because you know Varun is the face of Kuli number 1 and wo Varun ke tweet pe hi you know Modi ji ne respond kiya hai and it is amazing hamara jo crew hai Kuli number 1 ka wo bahut hi ek family jaisa crew hai aur jaise maine kaha ki jo captain of the ship hai David Ankil wo bahut hi visionary hai और वो फट से उन्होंने इस आइडिया को पकड़ा कि यार ये अच्छी बात है और हमें ये करना चाहिए एंड या वी वर एबल टू अचीव दैट ओके सर जूलिया के अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो जस लेबल के अंदर कुछ हो आप हर 15-20 दिन में एक गाना देखेंगे जस म्यूजिक से एंड होपफुली यू लाइक ऑल द सॉन्ग्स वी डू एंड हम हर किस्म के गाने करना चाहेंगे इंटरनेशनल भी भोजपुरी गाने भी मराठी गाने भी क्योंकि हम सिर्फ म्यूजिक की भाषा बोलते हैं कोई एक भाषा नहीं पकड़ते ओके सर लास्टली एनी मैसेज यू लाइक टू गिव टू योर फैंस और एनीथिंग यू लाइक टू से आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन मी एंड जस्ट म्यूजिक एंड माय फैमिली एंड पूजा एंटरटेनमेंट प्लीज कीप पोरिंग द लव एंड वी विल ट्राई एंड ब्रिंग टू यू गुड सॉन्ग्स गुड फिल्म्स एंड Keep entertaining you. Thank you, pleasure talking to you. Yes. So sir, first of all, big congratulations. बहुत ही अच्छा response मिल रहा है. सुबह ही से launch हुआ और लाखों views हो चुके हैं. सबसे पहले ये जाने कैसे comments मिल रहे हैं आपके friends, fraternity से कैसा? Thank you so much कि गाने को इतना प्यार मिल रहा है. और जहाँ तक कि भाई बात रही कमेंट्स की फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फ्रेटर्निटी वो अब तक हमें नहीं पता बिकॉज हमें सुबह से टाइम मिला ही नहीं है सुबह से हमने बस थोड़े से कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर और पर्सनल कमेंट्स नहीं मिले हाँ पर्सनल कमेंट्स हमें नहीं मिल पाए सुबह से हम गाना मुझे बोलने नहीं दे रहे हाँ बोलिए सर सुबह से गाना हम मैं चाहता हूँ ये बोले ना सुबह से हम गाना एक्चुअली प्रमोट मुझे लग रही है बोल ही रही है मेरी वे स्टोरी एनर्जी अंदर से तो गाना जो है सुबह से हम प्रमोट कर रहे हैं प्रमोशन पे हैं इसके इंटरव्यू चल रहे हैं हमको पर्सनली किसी का कॉल या ऐसा कुछ अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम पहले ही गाना अपना लॉन्च हुआ है और दूसरा उसके व्यूज बहुत अच्छे हो गए हैं वो भी ऑर्गेनिक व्यूज हैं और क्या और मैं बता देता हूँ कि आपने जैसे कि देखा नहीं कि कमेंट्स क्या मिले मैंने पर्सनली बहुत सारे पढ़े हैं बहुत ही अच्छा रिव्यू है और बहुत जन ने मैक्सिमम जन ने कहा है कि कमरिया से बहुत इंस्पायर्ड है और जैकी सर से भी बात की उन्होंने कहा कि हाँ हमने स्पेशली इसका टच रखा है क्या आपसे जानना चाहिए कि आपने उसके जो कमरिया के सॉन्ग उससे थोड़ा कुछ लेकर इसमें टच ऐड किया है ऐसा कुछ एक्चुअली कमरिया और इस गाने में यही मेन एक सिमिलैरिटी है कि दोनों गरबा सॉन्ग हैं और गुजराती हैं एक्चुअली टच जो आपको लग रहा है वो बिकॉज ऑफ द गरबा लग रहा है दिन ना दिन उसके जो बीट है ना रिदम की वजह से लग रहा है आपको टच बट वो गाना डिफरेंट है हाँ
वो टच द मेन थिंग इज द फील गरबा वाली है, सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि दोनों एक जैसे एक जैसे लग रहे हैं. ओके जैकी सर ने ये भी कहा कि हमने जब ये सॉन्ग के बारे में सोचा था तो फर्स्ट नेम आप दोनों का ही था कि देव और एसिस को भी मैम को ही लेना चाहिए और उसके बाद आपसे सबसे डिस्कशन के बाद डिट्टो को लेना चाहिए. हां क्या सो क्या कहना चाहिए उसने बोला था. यस लव यू सर. तो एक्चुअली हमें तो बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर. देव ने मुझसे पहले गाया था, मैंने इनके बाद गाया. मुझे इनका गाया हुआ गाना एक्चुअली इनके सब गाने मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली ये हमारा फर्स्ट कोलैबोरेशन है साथ में तो मुझे बहुत मजा आया. हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मिलते भी रहते हैं बट हमारा कोई गाना साथ में नहीं था बट अभी तनिष्क ने फाइनली हम दोनों को एक गाने में फीचर किया है और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत मजा आया हमें गाकर और डिट्टो ने बहुत ही कमाल का डांस किया है सो सब कुछ अच्छा ही है. ओके सॉन्ग्स की बात करें तो आज के टाइम पे जो सॉन्ग्स होते हैं उसके मेन होते हैं लिरिक्स और बहुत जन से हमने ये बात भी की है कि आजकल के जो लिरिक्स आ रहे हैं बहुत ही वर्गस टाइप है. बहुत जो मेलोडीज और वो थे बहुत टची होते थे वो आजकल नहीं होते. तो एज ए सिंगर आपका क्या मानना है? टची जैसे वल्गर तो वैसे पहले भी आते थे और अभी भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. और जो कहने का मतलब है कि चूड़ियों को लेके गाना है, चूड़ी एक चूड़ी एक श्रृंगार को लेके और जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया बाहर के आर्टिस्ट के साथ इंडियन कल्चर का, वो भी विद गरबे के साथ फेस्टिव करके उसका, तो एक अलग किस्म का. और इस गाने में तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ये डांस कम रोमांटिक कम मेलोडियस कम, बहुत सारे इसमें मिक्स जॉनर हैं. और आप बताइए आगे इस गाने में. आई थिंक ये गाना बहुत एक बेहतरीन गाना है और ये सब लोग इस पर डांस कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी डांस कर सकते हैं. और उसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये गाना बनाया गया है फॉर द फेस्टिव सीजन और नवरात्रि भी आ रही है, सो आई थिंक द परफेक्ट सॉन्ग फॉर द ईयर. ओके रिवर्जन का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, सो ऐसा ही कोई सॉन्ग आपके दिल के करीब जो आपको गाना हो, ऐसा कोई सॉन्ग किसका रिवर्जन के बहुत आजकल ट्रेंड चल रहे हैं जो पुराने गाने उनको रिवाइव करके गाना गाए. हां मेरा एक है फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही. मेरे फेवरेट गाना है ऐसे. मैं यस मैंने अभी रिसेंटली गाया था सिम्बा के लिए, तेरे बिन रिक्रिएट हुआ था. और आई थिंक और भी कोई अगर रिक्रिएशन आएगा तो गो थ्रू द सॉन्ग, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं गाऊंगी, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक वेरी फैन ऑफ डूइंग रिक्रिएशंस. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर विद अस? ये बताएंगे ऑफ कोर्स फिल्म सॉन्ग्स आ रहे हैं जिनके नाम हम अभी नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि नहीं बताने होते. और एक सिंगल आ रहा है, नॉन फिल्म सॉन्ग है, फ्रॉम वायरल ओरिजिनल्स आ रहा है 26th ऑफ सितंबर होपफुली इट विल रिलीज. और वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आप जल्दी सुनेंगे उसे. यस सर जो उन्होंने बोला वही. हाँ ये भी ये बता सकते. वी कांट से एनीथिंग जब तक हम अपने आप को सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पे टैग नहीं देखते तब तक हम कुछ नहीं बोलते. अपना काम करते हैं, हार्ड वर्क करके घर आ जाते हैं बस. ओके लास्टली क्या कहना चाहिए आपके फैंस को जो बहुत ही आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है सॉन्ग को लेकर? धन्यवाद आप लोगों का. और जैसे ही आपने आशीष के और मेरे पुराने गानों को भी जो भी पिक्चर के गाने थे प्यार दिया, उतना ही प्यार इस गाने को भी दीजिए क्योंकि ये बहुत ही करीब है हमारे दिल के भी. और जैकी सर का जस्ट म्यूजिक उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया, उसमें ये तीसरा गाना आई थिंक, और बड़ी मेहनत से बहुत अच्छा ग्रैंड शूट, साउंड वाइज प्रमोशन एवरीथिंग इज मतलब फैबुलस. तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हैं. मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर लविंग ऑल आवर सॉन्ग्स और जिस तरह आपने उन सब गानों को प्यार किया है, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. और इस गाने को भी आप सुनिए, इस पर डांस कीजिए और अपने डांस कवर्स बनाइए, हमें टैग कीजिए. दैट इज द बेस्ट थिंग. थैंक यू. थैंक यू.